हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी बैगन की रेसिपी, बैगन खट्टा रेसिपी या बैगन दही रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उस पर 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। अब यहाँ 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की कद्दूकस कर ली है, उसे इस तरीके से डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस पर डालेंगे ये आधी चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच ये सरसों दाना, आधा चम्मच ये जीरा, और हम थोड़ी सी डालेंगे ये सौंफ, और साथ में डालेंगे ये हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये करी लीव्स। मैं इन्हें अच्छी तरीके से भून लूंगी। हींग इस तरीके से। और अब हम डालेंगे मसाले, हमारे अच्छी तरीके से भुज गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बैंगन को अच्छी तरीके से काट लिया है धो करके, तो अब इस तरीके से इसे इस पर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर 1/3 चम्मच, और यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच ये लाल पीसी मिर्च। और अब हम डालेंगे इस पर 1 से 1.5 चम्मच ये नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे ढक करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर बैगन हमारा, ताकि अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं और बैगन हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हम इस पर डालेंगे ये मही, ये ज़्यादा पतली मही नहीं है, दही को हमने फेंट लिया है इस तरीके से, ये देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दही हमारा, बैगन दही या बैगन मही। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और माठे पे हमारे दही पे अच्छी तरीके से बलक आ चुकी है और बैगन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। तो देखिए बनकर तैयार है बिल्कुल झटपट से ये हमारे दही बैगन या मही बैगन। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा धनिया डाल लेती हूँ और गैस को कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे किसी बाउल पे। तो देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार है ये हमारा बैगन खट्टा या दही बैगन या मही बैगन, आप इसे किसी भी नाम से कह सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। तो आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आसान से वीडियो लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।